श्री शिव महापुराण कथा में कथावाचक ने भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश जन्म की कथा सुनाई। कथा सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। पंडाल में भक्ति की बयार बहने लगी, वहीं जयकारों से पंडाल गूंजने लगा। होटल ड्राइविंग 24 में चल रही श्री शिव महापुराण कथा में कथावाचक राधेश्याम व्यास ने 8वें दिन कार्तिकेय और श्री गणेश जन्म का प्रसंग सुनाया। कथावाचक ने कहा कि भगवान कार्तिकेय का जन्म माता पार्वती के गर्भ से न होकर 6 ऋषियों की पत्नी के द्वारा हुआ। कथावाचक ने बताया कि स्नान के वक्त माता पार्वती भगवान कार्तिकेय को स्नान घर के द्वार पर खड़ा कर देती थी ताकि कोई पुरुष अंदर नहीं आ सके, लेकिन भगवान शंकर स्नान घर में चले गए। इसी को लेकर माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय में विवाद हो गया। भगवान कार्तिकेय नाराज होकर अपने मामा के यहाँ चले जाते हैं। इसके बाद माता पार्वती पुत्र वियोग करने लगती हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को समझाते हैं कि महाशक्ति होने के कारण वे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं, लेकिन विनती करके वे पुत्र को प्राप्त कर सकती हैं। इसीलिए माता पार्वती शरीर पर लगे उबटन को उतार कर एक प्रतिमा बनाती हैं, साथ ही विनती कर भगवान विनायक को पुत्र के रूप में प्राप्त करती हैं। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने के लिए चली जाती है। भगवान शंकर आते हैं तो विनायक जी उन्हें रोकते हैं। इसी बात को लेकर भोले बाबा और विनायक जी में विवाद हो जाता है। भगवान शंकर त्रिशूल से विनायक का सिर काट देते हैं। वहीं देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान शंकर ने उसका सिर काट कर विनायक जी को लगाया। इसके साथ ही विनायक जी का नाम गणेश पड़ा। इस दौरान सभी ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। पार्वती के पुत्र का नाम लिया जाता है गणपति, जो त्रिमो के पति है उनका नाम है गणपति। गण का अर्थ क्या होता है? गण शब्द है समुष्य वाचक परिकीर्ण की तरह, ताली बजा के स्वागत कीजिए मेरे आश्रम के पास में रहने वाले पति पत्नी दोनों जो आश्रम की खूब सेवा करती है, हमारा भी पूरा ध्यान रखती है, लेकिन बहुत बड़ा व्यापार करते हैं। वहां पर से पधारे हैं, स्वागत करें। हाँ, ताली बजा स्वागत में बाद में कर रहा हूँ, थोड़ा गणपति गणेश को मिली समय हो रहा। तो गणपति का अर्थ है गण शब्द समुष्य वाचक पर किसी भी समाज के समूह को आजकल पार्टी कहते हैं। गण शब्द से धर्म भाषा में जाना जाता है। तो हमारी जब सृष्टि की रचना हुई तब तीन प्रकार का गण समूह पैदा हुआ, एक देवगण, एक मनुष्यगण और एक राक्षसगण। बाकी जो संसार में पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे ये भगवान ने पैदा नहीं किया, बाकी सब कश्यप ऋषि की संतान है। महाराज दक्षी 10 बेटियों से जो विवाह हुआ था उनसे पशु पक्षी है ना? सुना होगा भागवत में, मैं उधर नहीं जाऊंगा, समय मेरे पास बहुत कम है, समय के अनुसार मुझे चलना पड़ेगा। तो तीन प्रकार के गण ब्रह्मा जी ने सृष्टि में रचना करी, मगर इन तीनों गणों को अपने कंट्रोल में रखने